166 कार्डों के बाद। आपका नाम है? राधिका मैडम। राधिका मैडम, कितने लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है डेली? 200 से 300 तक करते रोज। सिस्टम क्या रहेंगे मैडम? टोकन है यहाँ पे। टोकन सिस्टम क्या रहेगा, डिटेल बताइए। टोकन कब दे रहे हैं मैडम? लोग राशन का इशू कर रहे हैं, एक दिन पहले दे रहे। अच्छा मैडम, कितने किलो चावल वगैरह दे रहे हैं? मतलब डबल दे रहे हैं। जो स्लिप में कटाना था उसमें मतलब 30 kg रहे तो 60 kg, 24 रहे तो 48 दे रहे हैं। मैडम 12 किलो चावल 1500 रुपये दे रहे हैं, मुझे बता रहे थे दिए रहे नहीं। 1500 रुपये तो अकाउंट में डाल रहे बोल के बोले हमारे। जिसका अकाउंट नहीं है उसको वो तो नहीं मालूम हमारे। तो 1500 भी नहीं पहुँच रहे बोल के सुनने में, 500 रुपये दे रहे हैं बोल के। अकाउंट में जा रहे हैं 1500 रुपये। जिसका जीरो अकाउंट है उसका 1000 बोल के तो बोल रहे नहीं। अभी तक के जो है कई लोगों की शिकायत है कि 1500 रुपये नहीं जा रहे अकाउंट में, 500 रुपये दे रहे, वो भी अकाउंट में भी अभी तक नहीं पहुंचे किसी के। वो तो हमारे को नहीं मालूम। आपके एरिया में कितनों के पास अकाउंट में आए मैडम पैसे? मुद्दा तो बैंक का तो हमारे को नहीं मालूम। अच्छा अब तक कितने लोगों को दिए आप अब तक? 600 लोगों को दिए। शॉप की टाइमिंग क्या रहती मैडम? 9 to 5। लोग तो ये बता रहे हैं कि 100 टोकन से ज़्यादा नहीं दे रहे हैं आप लोग, उसके उसके अंदर भी जो है ना कई जगह राशन नहीं मिल रहा, बराबर घंटों लाइनों में ठहरना पड़ रहा, घंटों लाइनों में ठहरने के बाद भी जो है ना नंबर नहीं आ रहा बोल के बता रहे हैं। नज़दीक आने के बाद कल आ जाओ ऐसा बता रहे हैं। डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे, ऊपर काटे गिरने से क्या होता है? हाँ डिस्टेंस जितना मेंटेन करेंगे उतना क्लियर दे रहे हम लोग। डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर तो टाइम हो जा रहा उसमें, हम लोग क्लोज करके चले। और भी कुछ लोगों को यहाँ पर मार तोड़ कर वगैरह भी कर रहे हैं ठहरने में से। राशन शॉप पे नहीं हो रहा, सोशल डिस्टेंस नहीं हो रहा, क्योंकि एक सिस्टम नहीं है जो सिस्टम बना के देना चाहिए। राशन जिस तरीके से देना चाहिए तो उसके 100 दीजिए आप, और राशन शॉप में ही टोकन दे रहे हैं और यहीं पर भी राशन दे रहे हैं। जिसको टोकन मिल गया उनको राशन दे रहे हैं। मैं ये चाह रही हूँ, हम लोग ये चाह रहे कि आप राशन इधर दीजिए, टोकन उधर दीजिए, दूसरे तरफ दो किसी की भी मदद कर दीजिए। बहुत सारे सोशल वर्क करने के लिए तैयार है, पढ़े लिखे लोग हैं, टेबल बनाई है, वहाँ पर इतना बड़ा कम्युनिटी हॉल है, वहाँ पे बैठ के टोकन बना के दे सकते। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट से ये बात करना है कि 1500 रुपए जो देते वो देते 1500 के अकाउंट में आते बोले, लेकिन आज तक नहीं आया, बोला किसी को नहीं आया। और गैस सिलेंडर भी फ्री देते बोलते BPL लोगों को, आज तक गैस सिलेंडर भी नहीं मिला। मैं ये चाहती हूँ अकाउंट नहीं है सवाल है वो लोग क्या करना, जिसका अकाउंट है वो लोग तो अकाउंट में आ जाएंगे, जो जिसका अकाउंट नहीं है वो गरीब लोग क्या करना। मैं इतना चाह रही हूँ, सोशल डिस्टेंस बनाना चाह रहे, कोरोना वायरस को नहीं फैलाना चाह रहे ज्यादा से ज्यादा। तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि राशन शॉप में स्टाफ और बढ़ाइए, और जिसको टोकन देना है उनको रोज के 200 टोकन के हिसाब से दे रहे बल्कि मेरे को ही मालूम हुआ, तो वो हिसाब से इधर राशन दीजिए सुबह से, उधर उन लोग को टोकन दीजिए, ताकि वो लोग लेडीज लोग कोई बीपी शुगर के कोई अभी चक्कर आके बैठ गए, बच्चों को छोड़ के खाना लेकर 1-6 बजे से यहाँ पे लाइन लगाए, जो टोकन लिए उन्होंने भी 6 बजे से लाइन लगाए, जो टोकन नहीं लिए वो लोग भी 6 बजे से लाइन लगाए, भूखे प्यासे पड़े हैं। मैं ये चाह रही हूँ टोकन देने वालों को दूसरी तरफ से टोकन बना के दे सकते, अगर स्टाफ नहीं है कुछ नहीं है तो सोशल काम करने के लिए लोग पढ़े लिखे हैं, लेडीज पढ़े लिखे हैं, जेंट्स भी पढ़े लिखे, किसी की भी आप मदद ले सकते, यूथ की मदद ले सकते, लेडीज की मदद किसी की भी लेके आप टोकन बना के जल्दी क्या है आपका नाम? क्या है? अच्छा कब से ठहरे हुए आप यहाँ पर? कब से ठहरे हुए? मैं सुबह 6 बजे से ठहरा हूँ और 11 बजे चला गया, फिर 11 बजे बोलेंगे 1 बजे टोकन देते, बोले 1 बजे से तक ठहरा हुआ हूँ, बगैर टोकन के लाइन में ठहरा हुआ हूँ और राशन लेके जाता हूँ। अभी तक टोकन नहीं दिए? नहीं दिया टोकन, नहीं आगे तो टोकन आने गए, आते गए टोकन स्पेशल आते क्या टोकन बोलो आप। 3 दिन से दे रहे हैं बोल के बता रहे हैं ना, 3 दिन से दे रहे, टोकन ही नहीं मिल रहा हम लोगों को। हाँ हाँ क्या करेंगे बताइए आप। यकुपरा कॉलोनी से इस्लामिया कॉलेज से कह के बोल रहा हूँ मैं, 3 दिन से कह के मैं कह के आ रहा हूँ कह के राशन के दुकान पे, सुबह आओ शाम में आओ शाम में आओ सुबह आओ, कभी आए तो कह के टोकन देते वो बोल रहे टोकन नहीं दे रहे, 3 दिन से फिरा रहे खाली कह के, आज आके कह के सुबह 6 बजे आए तो कह के 1 बजे आओ बोले, 1 बजे से कह के मैं कह के 11 बजे आया हूँ, 11 बजे से अब कह के 3 बज गए, 3 बजे तक खाना खाया ना कुछ खाया, मैं कह के कह रहा हूँ अब तक क्या खाली कहा कि देने का उससे कहा आप कहा आगे पीछे हो रहे हैं टोकन, कभी है बोल रहे कभी काला बोल रहे कभी शाम में आओ बोल रहे, ऐसा फिरा रहे 3 दिन से कहा कि 3 दिन से भी कहा कि देने का है नहीं देने का है, एक बात बोल दिया तो खत्म हो जाता है। कब से ठहरे हुए यहाँ पर? क्या साहब कब से ठहरे हुए यहाँ पर? मैं
ग्यारह बजे ठहरा हुआ हूँ। क्या बताए थे आपको, कब देते बोले टोकन? एक बजे देते हैं बोले। एक बजे से कहा कि लाइन ठहर के बोलते, लाइन कहाँ से ठहर गया हमें, ग्यारह बजे ठहरा के आपका खाना खाया ना कुछ खाया, ग्यारह बजे ठहरे तो आपका कह दिया टोकन का नाम ही दिए, यो लाइन ठहरो ये लाइन ठहरो, पुलिस वाले आ रहे हकाल दे रहे पीछे ठहरो लाइन बनाओ बोले, लाइन बनाए तो कहा कि ठहरे तो कहा कि सामने कुछ जा रहे पीछे वाले वैसे ठहर जा रहे। अब क्या बोल रहे हैं टोकन देने के से? यहाँ अभी बको बोल रहे लंबन यहाँ ठहरो देते बको बोल रहे। कौन सा ऑफिसर आता बोल के बोले? नहीं है बको बोल रहे पहले कहा टोकन कल लिया सवाल होंगे आज देते बको बोल रहे। बता रहे रोज 200 टोकन दे रहे हैं बोल के? नहीं नहीं कुछ नहीं दे रहे टोकन, पूरे लाइन में टोकन है तो सबसे इंटरव्यू लो सब, आप इंटरव्यू में सबसे लो पीछे और भी ठहरे हुए टोकनों के वास्ते ठहरे हुए ये टाइम ऐसा है जा चलिए।